चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। लाहौर बहुत अच्छी तरह देखना है। ठीक है महमूद साहब, मेरी ना टैक्सी वाले से बात हो गई है, वो एक दिन का 3,000 रुपया लेगा। उधर मैं तो कहती हूँ लगे हाथों कश्मीर को भी हाथ लगा कर आ जाए। मैं तो कहता हूँ माँ जी इसी कार में हम लंदन को ना हाथ लगा के आ जाए। लंदन ही जाना है तो किसी अच्छी गाड़ी में बैठ के जाए। ये गाड़ी जो थी ना ये तो बिल्कुल खटारा थी यार। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? भाई कसम से बड़ी शर्म आ रही थी, उस टैक्सी वाले ने 2 बार मुझे आंख मारी थी। और तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप क्या कर लेते रफीक? मैं आंखें निकाल लेता। फिर तो आप अंधे हो जाते इश्फाक। अरे मैं उसकी आंखें निकाल लेता। ओ यार बस कर दे आप लोग, हम पिकनिक मनाने नहीं आए, पापा को देखने आए हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था घर में सड़क पर। माँ जी ले जमील, तेरा सुसर ना सड़क पर आ गया, अब तुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलनी। ओ माँ जी कैसी बातें कर रही हैं यार, उनका एक्सीडेंट हुआ है यार, उनकी सर्जरी हुई है, अब वो घर पे आ गए, हम उन्हें देखने आए यहाँ यार। आए आए चलो 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 चलो। मेरे प्यारे पापा जी, मेरे दुलारे पापा जी कहाँ हैं? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे मेरे प्यारे पापा जी। सूरत कहीं तुम्हारे पापा जी बेताब के साथ दोबारा हनीमून पे तो नहीं चले गए? बड़े बदतमीज हैं तेरे पापा, मुझे साथ हनीमून पे नहीं ले जा सकते थे। मुमताज। मुमताज को नहीं मुझे लियाकत, आपने मुझे कभी वो नहीं देनी। वो क्या? वही जो शोहर अपनी बीवियों को देते हैं। तलाक? नहीं भाई, आप अगर माँ जी को तलाक देंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी महबूब साहब। खुशी? आपने मुझे कोई खुशी नहीं देनी। चाहत आप सबको अपनी पड़ी हुई है, पापा जी की कोई फिक्र नहीं है आप लोगों को। जानू मुझे बहुत फिक्र है पापा जी की, मैंने सोच लिया, इरादा कर लिया है कि मैं 4 महीने यहाँ रह के पापा जी की खिदमत करूंगा। हाँ भाई, जब तक तुम्हारे पापा जी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ना, हम यहीं रहकर उनकी देखभाल करेंगे। भाई मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, ना पापा है ना पापा के मुलाजिम, कहाँ है सब? आप लोग यहीं रुके, मैं पापा जी को ढूंढ के आता हूँ। जा, जा, जा। आए। चल जमीला 2-4 पराठे सट, चाय नाश्ते के वास्ते। हाँ जी नबील, ये कौन है? जानू ये बड़ा खतरनाक मुजरम है, चोर है, मैंने इसे देखा रंगे हाथों पकड़ा है, पापा जी की अलमारी से पैसे चुरा रहा था। नहीं मैं चोर नहीं हूँ भाई। बस कर दे तू थानेदार है। पर इसके हाथ तो बिल्कुल साफ है कफील। और आप जल्दी से पुलिस को फोन करें यार। मैं भी जट साहब को बुलाती हूँ। अरे बट साहब तो कराची में होंगे मोमो। हाँ तो हवाई जहाज में आ जाएंगे बराबर। माँ जी बट साहब को बुलाने की क्या जरूरत है, लाहौर में भी पुलिस होती है, मैं अभी फोन करती हूँ। अरे मेरी बात तो सुन लो यार तुम लोग। अब हम एक चोर चक्के के साथ बैठ के तो गप शप करेंगे। अरे मैं कोई चोर चक्कर नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। हाँ चोर यही कहता है। ओ यार मैं महमूद साहब पकड़े यार, बड़ी जान वाला आदमी है ये। बता क्या चुरा रहा था तू पापा जी की अलमारी में से, और हमारे पापा जी कहाँ है बता। मार। मुझे लगता है गूंगा है शकील। और नबील माँ जी। हाँ मुझे लगता है नबील गूंगा है शकील। माँ जी इनके मुंह पे टेप लगी है, टेप हटाएं यार। अब बता कहाँ है सदीकी? मैं ही सदीकी हूँ। तुम मेरे पापा नहीं हो सकते, सच सच बताओ मेरे पापा जी कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे पापा जी? देखिए आप प्लीज बता दे कि मेरे पापा जी कहाँ हैं, उनकी सर्जरी हुई है, बेचारे पता नहीं किस हाल में होंगे। अरे खूबसूरत मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, अब देखो एक्सीडेंट के बाद मेरा चेहरा बहुत बिगड़ गया था, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। क्या? हाँ, मेरी हाथ पांव खोल दो खुदा के वास्ते, मेरा तन कुट रहा है। नहीं जानू
इसको नहीं खोलना, ये शातिर आदमी है। इसने यकीनन हमारे पापा जी को अगवा किया है और खुद पापा जी बन के यहाँ आया है। हाँ, और अगर यही सदीकी साहब है तो फिर बेताब कहाँ है? अरे वो तो भाग गई थी अपने उम्र के साथ। और घर के सारे नौकर कहाँ हैं बच्चू? वो सब छुट्टी पे हैं भाई। देखा जानू, सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। नहीं झूठ बोल रहा मैं। तो फिर नबील मेरे पापा कहाँ है? जानू तुम टेंशन नहीं लो, मैं पापा जी का पता लगा के रहूंगा, लगा के रहूंगा। मेरा यकीन कर लो नबील, मैं ही पापा हूँ भाई। ये तो मेरा नाम भी जानता है। अरे मैं तुम सबको जानता हूँ, तुम नबील हो, ये मुमताज है, ये महमूद है और ये मेरी बेटी खूबसूरत। पापा जानू ये बड़ा खतरनाक मुजरम है, बड़ी रिसर्च करके आया, पता नहीं मेरे प्यारे पापा जी किस हाल में होंगे। अच्छा बारा आप लोग मेरे साथ आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे चलो चलो, कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे खोल के जाओ, मुझे बाथरूम जाना है। यही कर ले। अरे मामला हो गया क्या? कुछ करो यार, मुझे मेरे पापा चाहिए। जानू ये बड़ी गहरी साजिश है, मैं तुम्हें बताऊं। हाँ, अरे देखो ना सारे नौकर भी गायब हैं। और वो बेहसाब भी यहाँ नहीं है। बेताब माँ जी बेताब। इतनी बेताब ना हो उसका ना, तेरे पापे को कुछ नहीं होगा। चल अब नली ने हारी खाते हैं। माँ जी मेरे पापा किडनैप हो चुके हैं और आपको खाने की पड़ी है। भाई भूख तो मुझे भी बहुत लगी है खूबसूरत। जब तक मेरे पापा नहीं मिल जाते ना, कोई कुछ नहीं खाएगा। वश्य वश्य, तेरे पापा किडनैप हुए और हम क्यों भूखे रहे भाई? ये कौन सा वो है? हाँ भाई भूख से तो अब मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। मैं मूसा आप तो चूहे मार गोलियां खा रहे पांच दस। जमील पुत्र जमील, इसका प्योर ढूंढ दे, मुझसे वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है अब। ओ माँ जी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा इनके घर भूत भी हैं कफील? नहीं माँ जी, मैं उस चोर की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, अरे उस चोर को ना 3rd degree टॉर्चर देना पड़ेगा, फिर उगलेगा वो सारी बातें। चले उसको कहते हैं 3rd degree टॉर्च। हाँ, टॉर्च ना टॉर्च। खूबसूरत खूबसूरत बेटा, यकीन करो मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, मुझे खोल दो तो प्लीज। सच सच बताओ, तुमने मेरे पापा जी और मेरी सासू माँ को मार कर कहाँ दफनाया है? क्या बोल रहे हो यार, मैं ही सिद्दीकी हूँ। और बेताब तो एक्सीडेंट से पहले ही मुझे छोड़ के चली गई थी। भाई ये बहुत ही पक्का खिलाड़ी लग रहा है नबील, क्रिकेट का। और नहीं माँ जी, चोरी चकारी फ्रॉड किडनैपिंग और मर्डर का भी। नबील क्या इस शख्स ने मेरे पापा का मर्डर तो नहीं कर दिया? हो सकता है जानू, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो जानू, कल से मैं पापा जी की सारी फैक्ट्रियों का चार्ज संभाल लूंगा। तुम तो चाहते ही यही हो, हमेशा तुम्हारी नजर मेरी दौलत पे थी। खूबसूरत बेटा मुझे पता था कि ये कमला कमीला लालची शख्स तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकेगा। पुत्र इसको तो सब मालूम है तेरे बारे में। अरे क्योंकि मैं ही सिद्दीकी हूँ भाई। पापा? अरे क्या पापा पापा भाई, पहले साबित तो हो लेने दो कि ये तुम्हारा पापा है भी के नहीं। हाँ, नबील मुझे लग रहा है यही मेरे पापा है। जानू पहले मैं अच्छी तरह तसल्ली कर लूं कि यही हमारे पापा जी हैं यार। चलो अभी नकली पापा जी हमारे साथ आओ भाई। मैं मुंह साफ खोले खोल दो शाबाश। ओके पांव मुझे भी खोले 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 खोले। आओ 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 तो भी बेटी मेरी बेटी और बस कर दे चल बन गए जस बाद इधर चल चल भी नसीमा बड़ा बड़ा तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, तेरा पापा तो मिल गया। इसी खुशी में चार परौंठे सूट मिठे। ये बता कि तू कौन है और कहां से आया? अरे मैं कहीं से नहीं आ रहा, यहीं रहता हूँ बरसों से। मैं देख मैं, तू हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, हमें पता है कि तू सदीकी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे कहां मेरे मासूम से पापा जी और कहां ये मोटा फ्रॉडिया? अरे यार वो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी के बाद मेरा चेहरा बदल गया, लेकिन याददाश्त बिल्कुल ठीक है। अरे मैं ही सदीकी हूँ। देख भाई ये सारा खेल जो है ना पैसे का है, तू एक काम कर हमारी तरफ आ जा, तुझे भी पैसा चाहिए और हमें भी। हमारी तरफ क्या? माल ही माल है बच्चू, हम ये मान जाएंगे कि असली सदीकी तू ही है और माल आधा आधा होगा। ये डील अच्छी है भाई। डील?
वाह, मुझे सदीकी साबित करने की तुम लोग को कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अच्छा, तो सारे का सारा माल अकेले हड़प करना चाहता है? अबे ठीक क्यों? अरे सदीकी के माल पे हमारा हक ज्यादा है। अरे बड़े घटिया लोग हो तुम लोग। मैं भी देखता हूँ कि मेरे पैसे पे कैसे हाथ डालते हो तुम लोग। अरे यार नबील, कहीं ये सचमुच सदीकी ही ना हो। महमूद साहब, अगर ये सचमुच भी पापा जी है ना, तो हमें इन्हें गलत साबित करना है, क्योंकि ये हमारे पास आखिरी मौका है जायदाद पे कब्जा करने का। ये चीज, एक काम करें, अपना बालों वाला कान मेरे पास लाएं। मैंने काटे हुए हैं। कान? अरे नहीं, बाल लाएं। ये चीज मेरे अजीज। गाजर है ये माँ जी। हाँ तो गाजर का गला काट ले शुमेला। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। अब इतने भी खूबसूरत गाजरे नहीं है तबस्सुम। चल जल्दी से काट। खूबसूरत बेटा, प्लीज तुम यकीन करो, मैं ही तुम्हारा प्यारा पापा हूँ। प्यारा तो कहीं से नहीं लग रहा भाई तू। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ ना। ये लेन छोटे छोटे टुकड़े कर दे बेशक। क्या? वो गाजर की बात कर रही है। तू चाहे तो शादा के टुकड़े टुकड़े कर दे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें खूबसूरत कहा था बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले जो है वो इंतहाई दर्जे के लालची है। खास तौर पर तुम्हारा ये शाह, उसकी नजर हमेशा मेरी दौलत पर रही है। ये तो सच है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पापा हैं? तुम्हें याद है मैंने कितना रोका था तुम्हें शादी से? याद तो है। हाँ, और तुम्हें ये भी याद होगा कि तुम्हारी माँ ने मरते वक्त मुझसे क्या वादा लिया था। जी जी, याद है मुझे। जानू मारी मारो। चल पुत्र, वकील बुला रहे। चल चल। या अल्लाह, अब क्या होगा? अल्लाह खैर, तो वकील भी बुला लिया है। जल्दी आओ जल्दी। सुनो, किसकी कॉल है? डॉक्टर साहब आए हैं। जानू, डॉक्टर किस खुशी में आए हैं? अरे भाई, ये गवाही देने के लिए आया है कि सदीकी साहब की प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने ही की थी। हाँ भाई, उनकी सर्जरी तो मैंने ही की थी, और सर्जरी के बाद तो बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते थे। मैंने तो खुद उनको फवाद खान जैसे फीचर्स दिए थे। अरे ये मेरा डॉक्टर नहीं है खूबसूरत? आप सच सच बताएं कि आपने मेरे पापा जी के साथ क्या किया? कहाँ है मेरे पापा? जानू, इसने पापा जी को छुपा के रखा है। हम इसे इतना टॉर्चर करेंगे, ये बताएगा कि मेरे पापा जी, प्यारे पापा जी कहाँ हैं? जो करना है करो नबील, बस मुझे मेरे पापा चाहिए। ओके जानू। पुत्र, अब इस फ्राडी का क्या करें? कोई बात नहीं माँ जी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसने पापा जी के साथ क्या किया। क्या? अरे हाँ मुमताज, तुम चाहो ना तो इसे नौकर बनाकर इस घर में रख लो। अब हमें नौकरों की जरूरत तो पड़ेगी ना। अरे मैं अपने ही घर में नौकर बन के नहीं रहूंगा। हाँ बस कर दे भाई, अब ये तेरा घर नहीं मेरा घर है, और पापा जी की सारी जायदाद मेरी है। तुम्हें अब रहना होगा तो नौकर बन के रहना होगा। माँ जी, हाँ जी, ले जाएं इसे और ले जाकर काम समझाएं घर का। अच्छा जी, ले जाओ इसे। चल मैं चल। चल और तू भी चल। चल तू चल निकल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। माँ जी। हाँ जी। मांगे जो मांगती हैं, आज मेरी मुराद पूरी हुई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। पुत्र मुझे ना 50 तोले का सोने का एक हार ले दे। ओ माँ जी, आपने गरीबों वाली बात कर दी, महमूद वाली बात कर दी आपने। मांगा भी तो एक मामूली सा हार, 50 तोले का सिर्फ। नबील, एक फैक्ट्री मेरे नाम लगा दो प्लीज। महमूद साहब, अपने मुंह से भी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों का इजहार कर रहे हैं आप। देखें, मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं फैक्ट्री आपके नाम लगाऊं। मैं आपको उस फैक्ट्री में चौकीदार रख लेता हूं। ओए श्याम श्याम, मेरा शौहर चौकीदार है? नहीं नहीं नहीं, मैंने इतने गरीब आदमी के साथ नहीं रहना ना। मुमताज मुमताज,
ले इसका तो नाम भी गरीबों वाला है भाई। अरे मुमताज तुम्हारा नाम है भाई, ये तुम दोनों माँ बेटा ना मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरे मैंने भी सारी जिंदगी तुम लोगों का साथ दिया यार। और रिलैक्स महमूद साहब, दिल पे ना ले यार, क्या हो गया? पापा जी की बहुत ज्यादा जायदाद है, बहुत है पैसा पापा जी के पास, दोनों हाथों से लुटाएंगे तो खत्म नहीं होगा। वो जो दोनों हाथों से लुटाएंगे वो पैसा होगा। हाँ महमूद साहब, मैं कल एक हेलीकॉप्टर खरीद कर अमेरिका का चक्कर लगा गया था। भाई पुत्र अमेरिका क्यों? ओ माँ जी, डॉलर का रेट पता कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने सारा पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट करना है। अच्छा अच्छा, तो मुझे भी ले जा पुत्र, मैं ना अब की शादी किसी गोरे से करनी है। ओके माँ जी। अरे क्या ओके भाई, मैं अभी जिंदा हूँ। चले माँ जी, एक काम करते हैं, इन्हीं पे चार पैसे लगा के ना इनको गोरा कर लेते। नहीं मैं अभी आई। देखिए जरा बाहर कौन आया। यार महमूद साहब, ये जो आप 40 दी की, ये चाय लेके नहीं आया। माफ करो भाई। मैंने तो माफी मांगी नहीं। फिर क्या मांगा है? इजाजत। किस चीज की? अंदर आने की। जी चुप। एक पराये बंदे को मैं अंदर नहीं आने दूंगी। जी मैं इसी घर में रहता हूँ। ओए होए, तू भी रिक्शंदा का पापा है? नहीं, मैं इस घर का नौकर हूँ, एक दिन की छुट्टी भी किया था। ओए हमें नौकर नहीं चाहिए, हमारे पास पहले ही एक नौकर है बच्चू। क्या? मैं एक दिन की छुट्टी भी क्या गया? सिद्दीकी साहब ने नया नौकर रख लिया। देखिए मैं उनका वफादार नौकर हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वशे, तू सिद्दीकी साहब का वफादार वो है, पर सिद्दीकी साहब तो यहाँ है नहीं। अरे भाई यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? अब प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद वो अपनी बेटी से कराची मिलने जाना चाह रहे थे, अब क्या चले गए? ले तुझे तो सब पता है, तो तू अंदर आ जा। आ जा आ जा, शाबाश, चलो फिर चलो। अबे डिंचू, ये क्या खाली चाय उठा लाया है? अरे कोई समोसे पकोड़े लेके आने थे। यार महमूद साहब, बड़ा ही निकम्मा नौकर है यार, मैं तो कह रहा हूँ फारा करे से यार। आ जाओ। ये क्या हाल बनाया है साहब? अरे तू कौन है भाई? मैं राजा हूँ। ओ बस कर दे, मुंह तेरा नेजे वर्गा है, कहाँ का राजा है तू? मेरा मतलब ये कि मैं इस घर का मुलाजिम हूँ। तू पहले तय कर ले, तू राजा है कि मुलाजिम है? ये इस घर का मुलाजिम है, और उसको अच्छी तरह पता है कि मैं सिद्दीकी हूँ, और ये खूबसूरत के सामने जाके गवाही देगा कि मैं असल सिद्दीकी हूँ। इसका मतलब है सारे ऐश अमरीका, कनाडा, हेलीकॉप्टर सब इधर ही रह जाने। ओ माँ जी, ये मुलाजिम हमारा साथ देगा। हाँ, अगर तुमने हमारा साथ दिया ना, तो हम तुम्हें नौकर से सचमुच कर राजा बना देंगे। ये सारी दौलत मेरी है। राजा राजा, तुम मेरा साथ दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। राजा तुमने खूबसूरत से जाके ये कहना है कि पापा जी ने बेताब किए गम में खुदकुशी कर ली। आप लोग बेफिक्र हो जाए जी, मैं अभी जाके देवी जी को बताता हूँ। राजा मेरी बात सुन, राजा मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं तो हेलीकॉप्टर में बैठूंगी। घास काटो, चल के चलो। घास काटनी है, खानी नहीं है। चलो चल पटर, हेलीकॉप्टर चलाओ। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। अब तुम राजा हो ना, पापा के खास मुलाजिम? बहुत ही खास जी, बेताब मैम साहिबा के भागने की खबर मैंने ही तो दी थी। उसे बिल्कुल शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ऐसा करते हुए? नहीं जी, अब वो तो बड़ी ही खुश थी, मैं ही तो छोड़ के आया था उनको स्टेशन पर उमर के पास। क्या? जी जी, मैं तो सिद्दीकी साहब का बड़ा वफादार मुलाजिम हूँ भाई। वो तो हर वक्त उमर उमर करती रहती थी भाई, जाते जाते तो सिद्दीकी साहब की एक फैक्ट्री भी अपने नाम करा गई। क्या तुम जानते हो कि पापा किधर है, किस हाल में? अरे भाई इसी घर में है। मैं तो बड़ा चंगा बना छोड़ कर गया था, आपके ससुराल वालों ने तो सिद्दीकी साहब को इस घर में मुलाजिम बना के रखा हुआ। क्या वो मेरे पापा है? हाँ जी। आप एक काम करें, इस नंबर पर फोन कर ले, ये इनके डॉक्टर का नंबर है, ये आपको सब कुछ बता देगा जिन्होंने इनकी सर्जरी की है। एक लंबी उंगलियों वाला रोशू और दूसरा बड़े मुंह वाला महमूद। नबील,
ये तुम बार बार मेरे मुंह पर क्यों आ जाते हो? अरे मैं भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लूंगा, लाए उस डॉक्टर का नंबर दे मुझे। एक सेकंड मैं निकालता हूँ। ये लो, ये मेरा नाम लेना उसको, तो वो कंसेशन कर देगा। हाय, मैं भी आपके साथ चलूंगी रियाज, मैंने महविश हयात वाला मुंह लगवाना है। तो आप लोग क्या बातें लेके बैठ गए यहाँ? हम तो खड़े खड़े बातें कर रहे हैं जलील। अब डार जो अपनी जगह से कोई भी हिला तो। ओ जानू, ये तो बट साहब की लाइन है, इनको गोली मत मारना। पापा जी मिल जाएंगे, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? शट अप नबील, ये मेरे पापा ही है, मैं तुम्हें गोली मारूंगी। तुम मेरे पापा को चोर समझ रहे थे? तेरे पास क्या वो है जो कि ये वही है? राजा ने मेरी डॉक्टर से बात करवा दी है, उन्होंने मुझे सारी मेडिकल रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर दी हैं। पापा, पापा जी, मेरी बेटी। मामा, उधर आ मेरा बेटा। ओए, उठाओ इनका सामान और घर से बाहर उठा के फेंको इनको। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं पापा जी, मेरा दिल अल्लाह की कसम ये कह रहा था कि मेरे असली पापा जी यही है। आप ही से बदबू, मेरा मतलब आपकी खुशबू आ रही थी पापा जी। मेरा भी। अच्छा, तो इसीलिए तुमने मुझे अपना नौकर बनाया था? ये नहीं मान रहा था। मैंने मान रहा था, मेरे पापा जी यही है। अंकल प्लीज, इनको फेंको बाहर निकालो पापा जी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते